घोड़े से भी ज़्यादा मर्दाना ताकत बढ़ जाएगी। बीबी की टांगे उठा उठा कर ठोकोगे, चीर दोगे, फाड़ दोगे, बीबी की गुफा खुश हो जाएगी। बीबी, अगर आपकी मर्दाना ताकत कमज़ोर है, आपकी संभोग करने की टाइमिंग कम है, आप ज़्यादा देर तक संभोग नहीं कर पाते, अपनी बीबी को संतुष्ट नहीं कर पाते, मात्र 3 से 4 धक्के लगाते ही आपका वीर्य निकल जाता है, तो आप इस अद्भुत जड़ी बूटी का सेवन कर लो। लगातार 6 से 7 घंटे ठोकाई करोगे और बीबी को खुश कर दोगे। बूढ़ा आदमी, 80 साल का बूढ़ा आदमी अगर मात्र इसका एक खुराक सेवन कर ले तो 4-4 जवान औरतों का पानी एक साथ झाड़ देगा, फिर भी वीर्य नहीं झड़ेगा और शरीर में थकान नहीं आएगी, कमजोरी नहीं आएगी। यह आपकी मर्दाना ताकत को बढ़ाने की सबसे फायदेमंद आयुर्वेदिक जड़ी बूटी। वेलकम दोस्तों, आपका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड, अगर आपकी मर्दाना ताकत कमज़ोर है, आपकी संभोग करने की टाइमिंग कम है, आपकी संभोग करने की टाइमिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, मात्र 2 से 3 मिनट ही आप संभोग कर पाते हैं, तो इस जड़ी बूटी का उपयोग कीजिए। आपकी मर्दाना ताकत बहुत ही आसानी से बढ़ जाएगी, अंदर से जोश बढ़ाने की दवा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस अद्भुत जड़ी बूटी के बारे में जानें। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ध्यान से देख लो और पहचान लो इस अद्भुत जड़ी बूटी को। इस अद्भुत जड़ी बूटी को आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, खेत खलिहानों में, सड़क के किनारे, खाली पड़ी ज़मीनों पर यह आपको देखने को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इस अद्भुत जड़ी बूटी का नाम है पुनर्नवा। यह पुनर्नवा का पौधा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपकी मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले आपको इस पुनर्नवा के पौधे को लेना है। यह पुनर्नवा को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले आपको इस पुनर्नवा के ऊपर की फुनगियों को तोड़ लेना है। आपको इसके पत्तियाँ और डंठल, ऊपर से जो नई नई पत्तियाँ निकली रहें, उन्हीं को आपको तोड़ना है और इसे आपको अच्छी तरीके से सुखाएं, सुखा कर इसे कूट कर इसका चूरा तैयार कर लें। अगर आपके आसपास यह पुनर्नवा का पौधा नहीं है तो आप आयुर्वेदिक स्टोर से, हकीम की दुकान से, वैद्य की दुकान से, आप कहीं से भी 100 ग्राम की मात्रा में इस पुनर्नवा का चूर्ण ले लें। और आपको 100 ग्राम की मात्रा में लेना है दोस्तों सफ़ेद मुसली। सफ़ेद मुसली आपको आसानी से आयुर्वेदिक स्टोर पर, हकीम की दुकान पर, वैद्य की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो 100 ग्राम की मात्रा में पुनर्नवा का चूर्ण और 100 ग्राम की मात्रा में सफ़ेद मुसली का चूर्ण लेना है। और आपके अगर पास देसी खांड है, अगर आपके पास खांड है तो और भी अच्छी बात है, वरना आप इसका सेवन गुड़ के साथ कर सकते हैं। तो आपको 1 चम्मच की मात्रा में इस पुनर्नवा का चूर्ण, 1 चम्मच की मात्रा में सफ़ेद मुसली का चूर्ण और आपको एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है और उसे आपको इसमें फोड़कर मिलाएं, मिक्स करके आपको इसे खाकर ऊपर से आपको गुनगुना दूध पीना है बीबी के साथ बिस्तर में जाने से 10 मिनट पहले। आप जब भी बीबी के पास जाते समय आपको इसका सेवन कर लो। यह आपके अंदर से जोश को बढ़ाएगा, आपकी ताकत को बढ़ाएगा, आपकी मर्दाना ताकत को बढ़ाएगा। मात्र 15 दिनों तक आपको शाम को इसका सेवन करना है। यह आपके वीर्य को गाढ़ा करेगा, आपकी संभोग करने की टाइमिंग को बढ़ाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक संभोग कर पाएंगे और आपके शरीर में ना ही थकान आएगी, ना ही कमजोरी
आएगी ना ही सुस्ती आएगी और आप हमेशा जोशीले बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिलेटिव में शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।